यार सुनो सुनो सुनो, मेरे पास सपने आने हैं। रबी अव्वल की 10वीं तारीख को मेरे घर महफिल में आते हैं। अरे हाँ यार, 12 रबी अव्वल आने वाले हैं। इस बार की क्या तैयारियां की हैं? भाई अब्बू तो मुझसे कह रहे हैं घर सजाना है पूरे नए तरीके से। अरे यार मेरी भी तो नई लाइटिंग लेनी है, मैंने पुरानी लाइटिंग मिली नहीं रही है। यार तुम लोग जब मार्केट जाओ ना, मुझे भी साथ ले जाना, मैं भी कुछ ना कुछ ले लूंगा इंशाल्लाह। यार ये सब तो हम हर साल करते हैं, ये बताओ इस दफा कौन से स्टाइल का ड्रेस होना चाहिए? यार रफत तू बता ना यार, कौन से स्टाइल का ड्रेस होना चाहिए इस दफा, तेरा क्या आइडिया है? यार इस साल भी हम वही सब कुछ करेंगे जो पिछले साल किया था। अब नखरे मत कर, शाबाश बता क्या प्लान है तेरा। हाँ बता ना क्या प्लान है तेरा इस बार। यार वक्त आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। ओके यार 12 बज गए, बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना है, अब्बू वरना टाइट करें। हाँ यार हम भी चलते हैं, यार हम भी चलते हैं, ठीक है जानी। अरफाज खा चुत रहे, क्या करना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है ना अरफाज ना इस बार कोई अलग ड्रेस सिलवाना चाह रहा है, और वो हमें बताना भी नहीं चाह रहा। अभी तो कोई बात नहीं, हम भी वैसा ही सूट सिलवा लेते हैं। वो कैसे? और हामिद भाई क्या हाल है? भाई यार हामिद भाई, कल हम सब दोस्तों के कपड़े आप तक पहुंचेंगे, सेम अरफाज के डिजाइन का सूट हम सबका बनेगा, ठीक है? अरफाज अरफाज तो काफी टाइम से आया नहीं मेरे पास भाई, कोई कपड़े लेके नहीं गया मुझे। अच्छा यार बात सुन, ये अरफात ने क्या सोचा है, क्या अलग करने वाला है वो इस बार? रख रख से वाकिफ हूँ उसकी, और तुम्हें पता है इस दफा वो अपने घर की महफिल में किसको बुलाने वाला है? इमरान अत्तारी को बुलाने वाला क्या? है। हाँ पता नहीं तू क्या कह रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो यही नहीं मालूम हो रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बड़ी बड़ी बड़गियां मार रहा था, ये करूंगा कुछ अलग करूंगा, क्या अलग किया तूने? घर सजाया पूरा दिन हमारे साथ, सेम ड्रेसेस पहने, तूने किया क्या अलग? के गुब्बारे में कोई हवा शवा नहीं है, ये बस लंबी छोड़ रहा था। भाई साहब ने आज तक पूरा हैदराबाद नहीं देखा, और अनायत भाई आप क्या कह रहे थे कि कराची जाएंगे। भाई का प्लान फेल हो गया था। बताना क्या किया तूने? अहमद भाई कोई भी प्लान फेल नहीं हुआ, और ना ही मुझे कोई नया ड्रेस सिलवाना था, और ना ही कराची जाना था। हम 12 रबीउल अव्वल तो हर साल मनाते हैं, अपने घर वगैरह सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। मैंने इस दफ़ा सिर्फ ये सोचा और अपना जेन इस चीज़ पर मबनी किया कि रबीउल अव्वल के स्टार्ट होते ही मैं अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारूंगा, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाऊंगा। आज से मेरी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाल्लाह। आप भी दुआ करना कि मैं अपनी बात पर कायम रह सकूँ, और आज से हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्मती हमेशा सच बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे पगले।